तो हेलो दोस्तों, आप लोग के फिर से स्वागत है सिंघम भाई ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज है ट्यूसडे और हम लोग आज ब्लॉगिंग करने वाला है। शंकर भगवान का मंदिर है जो 30 से 35 साल पुराना है और यहाँ के लोग कहते हैं कि ये मंदिर बहुत सत्यवादी है। तो हम लोग मंदिर के लिए निकले हैं ब्लॉगिंग करने और हम लोग मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे हैं और मंदिर जो है गड्ढा में है और यहाँ पर एक भी घर नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ एक भी घर नहीं है, 2-3 किलोमीटर के आसपास भी। और उधर से हम लोग आए हैं तो उधर हम लोग 3 से 4 किलोमीटर आ गए हैं और यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है मंदिर। अभी हम लोग मंदिर के पास चलेंगे और वहाँ का व्यू दिखाएंगे, वहाँ पे कौन कौन है और कितना गड्ढा में मंदिर है। तो वहाँ पर चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज यार अभी हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं फिलहाल और देखिए इधर पीछे दिख रहा होगा एक मंदिर बन गया है और पीछे तो 3 मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ये मंदिर मेरे को देखा हुआ नहीं था, ये भाई है जो दोस्त है यही लेकर के आया है। यहाँ के हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये दोस्त बताएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। और यहाँ पे दुर्गा पूजा भी होता है, इस वर्ष हुआ था और यहाँ पे मूर्ति रखा था। अभी जस्ट ही यहाँ पे देखिए गेट उठे इधर दिखाओ थोड़ा भाई, यहीं पे मूर्ति रखाता है। और यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे जंगल है मानिए तो, यहाँ पे अगल बगल में कोई भी घर दूर नहीं है। यहाँ पे देखिए गेट बना हुआ है केला का पेड़ का, यहाँ पे देख सकते हैं झंडा उंडा है। तो दोस्त है जो आगे बताएगा, तो चलिए चलते हैं आगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर है आज से लगभग 40 से 45 साल पहले के है। अच्छा, मंदिर तो हाल ही में बना है लेकिन यहाँ पे जो माना जाता है कि शंकर भगवान जो निकले थे वो 40 से 45 वर्ष पहले निकले थे, क्योंकि मेरे पूर्वज ये बताते हैं, चाचा दादा हाँ ये सब बताते हैं कि वहाँ पे निकले थे। और हम सुने भी हैं और देखे भी हैं, यहाँ पे एक नया बाबा आए हैं जो कराटा वगैरह सब करते हैं और बोलते हैं, लोगों को भी बोलते हैं कि आइए मेरे पास सुबह शाम, हम आपको कराटा बिल्कुल फ्री में सिखाएंगे। यहाँ पे जो बाबा आए हैं वो हाँ, तो चलिए अभी हम लोग उनसे भी मिलते हैं और मंदिर भी दिखाते हैं, चलिए। तो गाइस यार यहाँ पे है जो एक छोटा सा नदी पड़ जाता है, यहाँ पे पुल अभी नहीं बना है क्योंकि देख सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो नदी है ये पहले नहीं हुआ करती थी, एक साधु आए थे पिछले साल, वही ये सब करवा के गए थे और यहाँ पे मंदिर में पानी भी जमने लगा था। जब ये बंधा गया था तो फिर लोगों ने इसको तोड़वाया और तब जाके मंदिर से पानी बाहर आ जाती है, लेकिन बरसात टाइम फिर से मंदिर में पानी भर जाती है। अभी हम लोग आपको नज़दीक जाकर प्रॉपर तरीका से दिखाने का कोशिश करेंगे, अभी हम लोग चलते हैं नीचे। और यहाँ पे देख सकते हैं देसी जुगाड़ से पुल बनाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुल जो होता है उसको तोड़ करके यहाँ पे बनाया गया है पुल, जो यहाँ पे भक्त जन आएगा उसको जाने आने में दिक्कत ना हो और मंदिर में पानी ना जमे, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बनाया गया है। फिर चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पीछे जो घर दिख रहा है, यहाँ पे बाबा लोग रहते हैं और यहाँ पे सब चीज़ ढोलक हारमोनिया झाल सब चीज़ यहाँ पे रहता है और कीर्तन डेली होता है यहाँ पे सुबह शाम। तो बाबा जन से भी थोड़ा अगर मुलाकात होगी तो आप बात करने का कोशिश करेंगे और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। तो इधर दिखा दो थोड़ा सा मंदिर जो डाउन में नदी में ही है मंदिर। और गाइस मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो पिछले साल नवरात्र हुआ था वो वहाँ पे नहीं हुआ था, पिछले साल यहाँ पे हुआ था। और एक बाबा थे जो आए हुए थे जो इसको पुल बनवाए थे, वो बाबा ने वो समाधि ली थी रात भर के लिए 12 घंटे के लिए और वो उसी टाइम चले भी गए। तो अभी चलिए आप लोग को मंदिर दिखाते हैं। तो हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, फिलहाल हम लोग नीचे आ गए हैं। राम देव के रंग एकदम लचित माने की आज भी मिथिला की तरह सुंदर बा। ये बात के कभी कहते रहे सर काम देख भी लगा जाए हो
तो गाइस ये रहा पूरा मंदिर और मंदिर के अंदर अंधेरा है, तो थोड़ा मोबाइल का लाइट बार कर आप लोग को दिखाऊंगा। मानने का लाइट अभी लगा हुआ नहीं है, जाके मोहित कहले कि कभी के भाल लगा तमा सर श्रीराम के रूपा पर वो भाई ने बाजन आवत। तो ये रहा मंदिर, देख सकते हैं हमारे फोटो खींच लो, फोटो खींचो भाई, तुम्हारा फोटो खींच लो, राजा हमारे का फोटो खींच लो, हमें तेरे पास नहीं हुआ फिर भी काम बने अभी मेरे के नाम पर पास हुआ है तब पूछी रात की पता नहीं उसे मैं कभी नहीं चली देता तुम्हें और मैं सिखा कुछ डाल देख सकते हैं अभी पानी से तमाम रहा है बाबा लोग रहते हैं और अभी ड्रेस में नहीं है बाबा, ऐसे सादा ड्रेस में है। यहाँ पे ढोलकनाथ झाल रहता है सब और यहाँ पे हो जाता है। इधर थोड़ा दिखा दिखाओ बाबा का आश्रम है, ये जो रहा बाबा का आश्रम है जो यहाँ पे रहते हैं लोग, खाना वगैरह बनता है यहाँ पे, देखिए खाना वगैरह बनता है और इसी में बाबा लोग रहते हैं। पानी हो, बरसात हो, ठंडा हो, जो भी हो यहीं पर रहते हैं, यहीं पर अपना जिंदगी यापन करते हैं। इधर देखिए फोटो बजरंग बली का, शंकर भगवान का सब चीज टंगा हुआ है। बाबा नमस्कार, नमस्कार। अरे बाबा यहाँ पे मतलब बातें लोग रहते हैं ना। बाबा कहने का कुछ करना है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, पूछना है सवाल पूछिए। यहाँ पे मतलब कब मंदिर का निर्माण कब हुआ है? मंदिर का निर्माण तो देखिए ऐसे बहुते माने बहुते दिन से इसका निर्माण हो रहा था, लेकिन इसे 2020 से जो है ना इसका मंदिर निर्माण हो रहा है। वैसे पूजा तो मैंने समझिए कि कब से हो रहा है पूजा इसका कोई मैंने, तो हम लोग बोले हैं 40 से 45 वर्ष पहले बताए वीडियो में। वो तो है, ये पूजा तो देखिए बहुत दिन से हो रहा है यार, माने उसका कोई मतलब पता नहीं, पता नहीं है कि कब से पूजा हो रहा है। पूर्वज बता सकते हैं, पूर्वजे लोग बता सकते हैं कब से हो रहा है। बहुत से मर भी गए पूर्वज लोग। बाबा वह बाबा के हैं, हाँ डॉक्टर फिलहाल बाबा उधर हैं, यहीं पे भी भैया रहते हैं और यहाँ पे गाना मतलब बजते रहता है कि बजते रहता है ऐसे तो देखिए बज रहा है, यहीं के लिए प्रॉपर है, यहीं के लिए प्रॉपर है। पब्लिक दिया है कि? हाँ पब्लिक दिए हैं, पब्लिक कोई श्रद्धालु भक्त ही दिए हैं। यहाँ पे देखिए जो बाजा यहाँ पे बजता है होरन दो ठो, जो कोई का नाम था उनका पता है किनका, जो बाजा को दिए हैं दिए थे पद्मा के थे, जो यही अगल बगल का है जो भक्त जन थे वो जो बाजा दे दिए दान में अपना। अगर आप लोग कभी झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में आइएगा तो इस जगह का नाम है महादेव माड़ा, जो आप लोग सर्च करके आ सकते हैं, वहाँ पे सब चीज देख सकते हैं। यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं मन्नत मांगने से पूरा होता है, एकदम पूरा होता है। अगर आप लोग सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं आकर के तो यहाँ पे जरूर पूरा होगा। अगर कभी आप लोग को कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है जिंदगी में, आइए महादेव माड़ा और मन्नत मांग कर देखिए, अगर पूरा हो जाए तो अच्छा है, भगवान भोलेनाथ शंकर का कृपा रहेगा। और थोड़ा सा इधर दिखा दो सर, देख लीजिए सर, वीडियो कर लीजिए। ये देखिए ये सब आम जो है, ये सब आम फलता है, ये सब छोटा सब आम फलता है, फलता है। देखिए यहाँ पे चबूतरा भी बना दिया गया है, धीरे धीरे सब व्यवस्था हो रहा है। उधर भी है आम, उधर भी 1600 आम लगा हुआ बगीचा है उधर आगे, हाँ ऐसा ही सही पेड़ होगा, छोटा में छोटा है अभी। तो अभी बाबा नहीं मिले और भैया से थोड़ा सा बात कर लिए। ये जो बाबा है इन्हीं के समझिए कि माने ऐसे तो बहुत से हैं मतलब इनको सहयोगी, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ कार्यभार देखने वाले यही बाबा, हाँ यही बाबा है एकदम, इन्हीं के सौजन्य से सब चीज चलता है। क्योंकि तबियत खराब रहे, चाहे आंधी तूफान हो, चाहे वर्षा हो, जो भी मतलब जो भी हो, जो भी इनको हाँ इनको यहीं रहना है। हाँ और हर संडे, हर संडे को चर्चा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और सुने यहाँ पे कोई बाबा है जो कराटा करते हैं? कराटा नहीं करते हैं, वैसे वो बाबा है कौन बाबा है वो
व्यायाम जो कराते हैं बाबा। अच्छा रामदेव। हाँ बाबा रामदेव कुछ चेला है। अच्छा हाँ सगालिम के रहने वाले हैं। अच्छा वो अभी चले गए फिलहाल, यहाँ नहीं है वो। नहीं। जो कराटा जो बाबा सिखाते हैं यहाँ पे मौजूद नहीं है, थोड़ा सा कहीं चल गए हैं, काम की विशेषता है यहाँ पर। यहाँ पे बहुत मुख्य रूप से अगर आप लोग आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं और अपना मन्नत मांग सकते हैं और यहाँ पे सब चीज कर सकते हैं। तो कभी आइए महादेव मड़ा जो पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और अपना मन्नत मांगे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।